जनाबी डॉक्टर राजप्रेत साहब, आज हम दोनों जो ऊंची उम्र वाले दो बंदे इधर मिले हैं, जो भगवान ने हमारा इतना उम्र दिया है, तो मैं आप दोनों हम दोनों में कुछ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अपन बात करें। जनाब आप कौन सी गांव का, किस जगह से हैं? वैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन जो है प्रसिद्ध तीर्थ नगर है। अच्छा अच्छा जी। और सांस्कृतिक नगर है जी। वहाँ रहता हूँ और वहाँ पर अध्यापक था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाता था। अच्छा, आपको जो आज यहाँ जो पुरस्कार मिला है ना जी, ये किस वजह से, किस मेहनत से, किस फल आपको मिल रहा है? श्री भगवतीलाल राजपुरोहित, श्री भगवतीलाल राजपुरोहित इज कॉन्फर्ड द संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड फॉर हिज स्कॉलरशिप इन इंडियन थिएटर। ये नाटक के संबंध में जो अनुसंधान और सहयोग है जी, हाँ अच्छा, उसके संबंध में मिला है। बिल्कुल जी, जी। तो अब क्योंकि हमारा नाटक से पुराना संबंध है। अच्छा बिल्कुल जी। तो करीब 50 से अधिक नाटक लिखे हमने। अच्छा। और सबको मंचित हुए, सब लिखित भी है जी, जी। तो वंचित हुए हैं और उनसे संबंधित जो परामर्श देना हमारा काम है। बिल्कुल जनाब, शुक्रिया, बहुत अच्छा है। मैं ले लद्दाख, यूटी लद्दाख, ले से जी, डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है, करगिल डिस्ट्रिक्ट और ले डिस्ट्रिक्ट। हम ले डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो आपका नाम किन जगह? छिरिंगस्तंदिन, छिरिंगस्तंदिन बताए जी, छिरिंगस्तंदिन बताए। तो बहुत अच्छा, आपसे आज भेंट हो गई इस संदर्भ में जी। हाँ, पूरे देश को एकत्र एक साथ देखा अपन ने जी। हाँ, दुर्लभ दिवस था। बिल्कुल जी, सब पूरे देश के कलाकार थे। आगे आगे लद्दाख से लगा करके और चेन्नई तक। बिल्कुल जी, जी बहुत अच्छा हुआ। मैं संगीत हूँ जो गाना गाने वाला। अच्छा। हाँ, मैं गाना गाते रहे जिंदगी भर। मेरे खानदानी गाना गाने वाले, पहले पिताजी से लेकर अभी तक है, पिताजी भी गाना गाते थे, उसके पिताजी भी, फिर इसी तरह अभी मेरा छोटा लड़का भी मेरी तरह फिर गाना गाते हैं। पूरी परंपरा है, परंपरा हो गया जी। तो वहाँ का जो लोक संगीत है, फोक संगीत जी, वो कश्मीर के लोक संगीत से अलग है? अलग है, वो तो अलग है। हमारा लद्दाख का और कल्चरल अलग होता है, अलग होता है, कश्मीर से तो बिल्कुल अलग है। तो लद्दाख और तिब्बत का, हाँ उस साइड का शायद उस तरफ थोड़ा खींच सकता है, नहीं तो तिब्बत से भी थोड़ा अलग है। अलग है जी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपकी एक साइड में तिब्बत आ गया। हाँ हाँ, दूसरी तरफ कश्मीर आ गया। हाँ जी, उधर की तरफ चाइना आ गया। चाइना आ गया, और उसका खोतान शायद आपसे लगा हुआ है। वो दूर है जी, हमारे नज़दीक नहीं है, हम इस ले डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे है जी। ये तो चांगथांग के साइड और 400-500 किलोमीटर जाता होगा, उतना जाने के बाद फिर चाइना आएगा, इससे पहले अच्छा, नहीं है। तो खोतान और लद्दाख के बीच में कोई दूसरा प्रोविंस है क्या? उसमें लाहौल स्पीति वाला आता है ना जी, लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति हिमाचल के उस साइड का, उसमें उनका अलग गाना होता है जी, अलग और कल्चरल होता है जी, हमारे लद्दाख से पूरा नहीं मिलता, अलग है। अलग है आपका लद्दाख का जो है जी, वो तो बौद्ध क्षेत्र ज़्यादा है। हाँ, बौद्ध क्षेत्र ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जो बौद्ध परंपराएं हैं जी, हाँ वो परंपराएं कब से आ गई वहाँ पे? ये तो बहुत साल से, बहुत पहले से, पता नहीं बहुत पहले से आया हुआ है, हमको उसको पूरा नहीं। वहाँ की जो परंपरा है तो बौद्ध परंपरा है जी, जी उसका आपके संगीत से कोई संबंध है? बहुत संबंध होता है, संगीत के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी संगीत के साथ शादी ब्याह होना होता हो, फंक्शन चलाना होता हो, जो कुछ भी करता है तो इसी संगीत के साथ, गाने के साथ हमारा मनाया जाता है जी। जी हाँ, इस संगीत में भी बहुत कस्म के होता है, कोई किसी को खुश करने वाले, किसी को दुख दिलाने वाले, किसी को ये ढालोप देने वाला, और किसी को शादी ब्याह के दौरान में तो एक दूसरे के कंपटीशन, सवाल जवाब बहुत होता है उसमें।
अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत कई ट्वीट होता है। हाँ जी हाँ, ऐसा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है इसमें। ये जो है उसके साथ वाद्य भी अलग अलग होते हैं। आवाज़ तो ज़्यादातर नहीं, बजाने का हमारा ज़्यादातर ये बंसरी जैसे सुरना होता है ना जी, वो और ये डमडम होता है ज़्यादातर जी। हाँ, वो ज़्यादा बजाता है जी। उसी के साथ ये डमडम वाला 10-15 लाते हैं, सुरना वाला भी 10-15 आते हैं, फिर पूरे एक ही आवाज़ में, एक सुर में बजा। हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ नृत्य है लोक नृत्य। हाँ, उसी उन्हीं को जो म्यूजिक वाले जो है उनको पूरा हमारा ये गाने का वो सुर आना चाहिए दिल में। हाँ, फिर उसमें बजा सकते हैं, बजाएगा वो। अगर दिल में नहीं होगा तो सुर में क्या बजाएगा। सही बात। इस तरह पूरे के ध्यान में ख्याल रखना पड़ता है, फिर उन्होंने बजाता है अच्छी तरह से। फिर इसके बाद जब गाना गाएगा, गाना गाने के बाद डांस करना होता है जी। पूरा औरत मर्द सब लाइन लगा कर डांस करते हैं जी। ये बजाते बजाते वो डांस खत्म होने तक बजाता है जी। जी हाँ। ये कितनी देर का होता है एक करीब करीब? जो सगाई वगैरह वो तो एक एक दिन का होता है। अच्छा, शाम को एक एक दिन, समझो पूरा दिन तो नहीं होता, शाम को इतने 1 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, समझो इतना काफी टाइम चलता है। हाँ, बहुत देर। कोई अंदर अंदर से ये भी मनाया जाता है, कोई बाहर फील्ड में जो मैदान में भी लगाया जाता है, ऐसे होता है। ये जो कल्चर है वहाँ पे मुसलमान लोग भी रहते हैं। हाँ, वो होता है, लेकिन तो उनका उनसे कल्चर मिलता है कि नहीं मिलता है उनके लोक संगीत पे, फोक में उनको तो अलग से होता है, क्योंकि उनके कसीदा और ये कुछ दूसरा होता है, काम चलता है। हाँ, काम चलता है उसको, दमदम सुनने के साथ कुछ नहीं होता है उसका, कुछ वो अलग होता है। उनको अगर घोंगलों के साथ उनके कोई कुनबे मिक्स होता तो अपने खाना बनाने वाला खुद आदमी ला करके खुद उनको खाना खिलाता है, फिर कसीदा बजाते हुए वो खुद करता है। हम लोग अपना बुद्धिस्ट का रसम बनाया जाता है जी। हाँ, तो बहुत की जो कल्चर है वो बड़ी समृद्ध कल्चर है जी। हाँ, और एक प्रकार से सेंटर है वो। इसलिए सेंटर है कि उसके आपके खेत से लगा करके वो पूरा जो उत्तर की और नॉर्थ की और ईस्ट की और साउथ की पूरी जो कल्चर है वो जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बीच में आपका क्षेत्र होता है। अच्छा, नाभि स्थान है वो। ऐसे है जी। क्योंकि ऊपर चाइना आ गया पूरा, मंगोलिया आ गया और जापान आ गया और इधर जो है पूरा भारत आ गया, भारत के प्रदेश आ गए बहुत सारे और कई देश आ गए। हाँ, इसी तरह जो हमारे चाइना साइड का जो चंगथांग बोलता है जी, उसमें तो अलग डांस होता है जबरो बोल करके जी, उनको ये उसके साथ बेंजो के साथ जी, या क्या बोलते हैं उसको, सितर के साथ डांस किया जाता है जबरो बोल करके। इस तरह डांस करते हैं, ये सुरना और ये ढमढम नहीं होता उनके तरफ। थोड़ा भेद है, थोड़ा अलग होता है। और संस्कार में भी तो ये यही सुनना और ये ढमढम का रस्म रिवाज चलता है जी। कारगिल में ये नहीं होता है, कारगिल फिर मुसलमानों का वो अच्छा। है वहाँ फिर कसीदा होगा और ये क्या बोलता है उनके दूसरा तो हो जाता है। बहुत बढ़िया, आनंद आता है ये तो। तो ये जो वहाँ की मौसम का उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कोई, किस मौसम में होता है ये? मौसम ज़्यादातर सर्दियों में सर्दियों में करता है। अभी जो हमारा फसल बोया हुआ है ना, ये फसल ख़त्म होने के बाद फिर खेतियाँ खाली हो जाता है, तो बड़े खुले खेती पर ले जाके अच्छा, तब वो करते हैं, तब डांस करते हैं। अगर इतना बढ़िया नहीं करने वाला होता तो अंदर अंदर कनाल लगा के उधर भी बना सकता है, इस तरह बनाया जाता है। तो सर्दियों का तो आपके ऊपर कोई असर होता नहीं है? असर तो होता है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा जनाब, क्या स्वभाव रहता है, बर्दाश्त करना पड़ता है जनाब, क्या करेगा। सर्दी में तो हाँ ऐसा है, जो सर्दी का हमारे सर्दियों के लिए तो अभी से जो सर्दियों का इंतजाम करके रखता है, सब्जी सुखा के रखना, सत्तू पीस के रखना, ये सब कुछ जो अपना लोकल
पिछले ज़माने का जो रस्म है वो अभी भी वो करते रहता है। नहीं तो सर्दियों में ये सब अगर उस वक्त तो सत्तू पीसने के लिए पानी का गराट होता था। अच्छा, अभी तो वह ख़त्म हो गया, मशीन आ गया, अब सर्दियों में भी पीस सकता है। नहीं तो सर्दियों में नहीं पीस सकता, वो पत्थर का वो गराट है नहीं, जम जाता है। इसी तरह अभी तो मशीन आ गया तो सत्तू के लिए हो सकता है। इसी तरह जो सर्दियों में हम ज़्यादातर हमारे वहाँ लोकल थोड़ा अपना अपना छांग बना के, ज़्यादा वो नहीं पीता है बेहोश होने तक, थोड़ा थोड़ा अपना लोकल छांग बनाते हैं गेहूँ का मोटे अनस का। अच्छा। उसको बनाकर एक लकड़ी के ब्रेल ड्राम जैसा होता है उसमें लगा के, फिर उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा मखान डाल के, और उसको सबसे पहले उसको भगवान के नाम पे प्रार्थना करते हुए उनको दिया जाता है, हमारी ये सगाई कामयाब हो जाए, हमारे ये जो मियाँ बीवियों का ये उम्र दराज हो जाए, वो बोल करके प्रार्थना करता है। फिर उसको प्रार्थना करते समय भी डमडम वाले और सुरना वाले उसको बजाते हैं, उसको बजाने का होता है। फिर लड़ना बोल करके सबसे पहले फर्स्ट पे वो लड़ना लगाना होता है, इसके बाद फिर डांस शुरू होता है। ऐसे ऐसे परंपरा है। आपकी जो वहाँ की जो नदियाँ हैं, जैसे सिंध नदी वहाँ से जाती है, सिंध नदी जाता है वहाँ तो सिंध नदी जो है उसका कोई महत्व है वहाँ पर? सिंध नदी नीचे से जाता है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, किसी गांव को भी फायदा नहीं देता है, वो कुछ भी नुकसान पहुंचाता है बस, सिर्फ जब पानी फैल जाता है तो फिर आर पार के गांव वालों को नुकसान पहुंचाता है, बाकी कुछ फायदा नहीं। अच्छा। जाता है नीचे से, हम ऊपर बैठता है, इतना मैदान भी होता नहीं यहाँ की तरफ, कहाँ होता है मैदान, तो पहाड़ी पहाड़ी है, तंग जगह है, मैदान इतना होता नहीं, फिर भी ये पानी नीचे से जाता है और ये थोड़ा नुकसान करते ही जाता है गर्मियों में, सर्दियों में तो वो जम जाता है। जी हाँ, तो बहुत बढ़िया। आपका जो वो जो आपका जो लद्दाख क्षेत्र है जी, वो तो भारत का मुकुट है। मुकुट, हाँ जी जी, बिल्कुल। जो तो है, और तो है, क्योंकि उसके ऊपर तो उत्तर में कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई प्रदेश आ गया। मुकुट है लद्दाख के, जो हमारे फौजी हो, हमारे जो वो हो, सब ये अपने देश के लिए बहुत समर्थित कर देता है। जिस वक्त फौजियों को कुछ गड़बड़ हो जाता है तो पूरा पब्लिक खड़े होकर के फौज के साथ मदद करता है जी, ऐसा करते हैं, इसलिए तो लद्दाख का मुकुट मनाया जाता है। बिल्कुल। ये इंडिया का, इंडिया का, और बहुत से इंडिया के हिफाजत भी करते हैं, चाइना के साथ भी लड़ना पड़े, पाकिस्तान के साथ होना पड़े, हम उस वक्त पूरा पब्लिक उठाते हैं। सही बात है, ये जो हमारी जो कल्चर है जी हाँ, वो भारत से जुड़ी हुई है। तो ये जो हमारे गानों में तो भारत छोड़ के जिस वक़्त जो स्कर्दों में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था उस वक़्त से लेकर आज तक की गाने में आता है, बहुत 2000 का पिछले साल का गाना है बोलता है। तो गाना क्या है आपका? गाना याद है कुछ? गाना तो है, गाना तो याद है जी, बहुत गाने गए याद है। हाँ, तो इसी गाने की वजह से तो इधर तक पहुंच गया है। उसमें नाम आया क्या कुछ, भारत का नाम आया? हाँ, भारत का नाम आया। हाँ, हाँ वो भी आता है। हाँ, तो बोल दीजिए। अच्छा। यार दुर्जे दुर्जे दालांचाना नचो सीखो लोरी दस को लोरी दुर्जे दुर्जे दालांचाना नचो सीखो लोरी दस को लोरी Lila Kongwa Nakpoe Skulum Karapida Nalangde Nacho Siko Lor Lori Dasko Lori Yanyima Nangyali Lele Chen Pida Nalangna
वाह, बहुत आनंद आ गया जी। एक बहुत बड़ी बात है, आपका जो लय है जी जी, गाने का जो सुर सुर है हाँ जी, उसमें वो जो सुर है वहाँ से लगा करके जी, और मिलता जुलता है हमारे मध्य प्रदेश के मालवा के लोग संगीत से जी, और उससे लगा करके और दक्षिण तक चाहे राजस्थान हो वहाँ भी ये सुर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से बहुत व्यापक है, तो इस तरह से सारा देश जो है चाहे कोई भी कल्चर हो जी, कोई भी, लेकिन लोक के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी अंतरधारा है बिल्कुल, जो अलग नहीं करती है, सबको जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ये तो आनंद आ गया। हाँ, हाँ, तो कश्मीर जो है आप लद्दाख से किस तरह से अलग है? कश्मीर से बिल्कुल अलग है, अभी तो अभी नहीं, पहले अभी, हम अभी पहले से कल्चर पहले से कल्चर उनसे नहीं मिलता था पहले से भी, जम्मू और कश्मीरी नहीं मिलता है, हम लद्दाख तो दूर है ना, बहुत दूर है हमें तो, ये ज़्यादातर हमारे ये तिब्बती की तरफ उनकी तरफ ज़्यादा वो थोड़ा बहुत मिलता है, उनके हमारे भाषा लिखने वाला भी तिब्बती की उसमें लिखा जाता है, कश्मीरी उर्दू नहीं लिखता है। आप कौन से लिखते हैं? मैं बोधिस लिखता हूँ, बोधिस माता बुद्ध का लिखा हुआ वो तिब्बती, अच्छा तिब्बती भाषा वो लिखता है, ये बुद्धिस्ट का है ना, बुद्धिस्ट जो हमने बुद्धिस्ट का बुद्धिस्ट से तिब्बती मिलता जुलता है, हमारे जो पानी वाला धर्म जो पुस्ता वगैरह है वो एक ही होता है। अच्छा, हाँ वही पढ़ा जाता है। बहुत बढ़िया जी, तो वहाँ पहले, अभी तो कागज़ पे लिखते थे, उससे पहले काय पे लिखते थे? पहले तिब्बती वो क्या बोलता है, नहीं आधार क्या था, जैसे कागज पर लिखते हैं तो जब कागज वहाँ पर नहीं सुलभ था उस वक्त, छोड़ो जी ना, हम अपने ज़माने में भी काश होता नहीं था लद्दाख में, अच्छा पेंसिल नहीं होता था, कॉपी नहीं होता था, हम पढ़ते थे ताकती लेकर के गुम्बा मिट्टी को गुला कर लकड़ी के कलाम बनाकर उससे लिखता था। अच्छा, बचपन में जो उर्दू हमने चौथी जमात तक पढ़ी थी वो इस तरह लिखता था, जो तख्ती पर स्याही लगा कर खड़ा करता, फिर उसको गोटा लगाता, तब उसके ऊपर ये गुम्बा मिट्टी उसको गोल करके उससे लिखता था। पेंसिल कहाँ होता उस वक्त? नहीं होता था। कागज़ कॉपी कहाँ होता उस वक्त? माचिस कहाँ होता उस वक्त? केरोसिन कहाँ होता उस वक्त? कुछ नहीं होता था हमारे लद्दाख में, जब माचिस नहीं होता तो क्या करता है, एक लोहा होता है उसको ये पत्थर के साथ रगड़ के उसमें से चंगरियाँ निकल के फिर उस उसमें से आग सुलगाया जाता है। हमारे इधर भी था वो चकमक के जाता था, चमक बोलते हैं हम भी, चमक बोलते हैं, चकमक के चकमक बोलते हैं, एक ही है वो। तो वो जो रुई रहती थी उस रुई में एकदम लग जाता था, लग जाता था, तो चिलम पीता था उसको जट लग जाता था, तो वो ऐसा होता था। वहाँ पर केरोसिन नहीं होती थी, और तो फिर क्या जलाते थे? जलाता था हमारा दिए के लिए, एप्रिकॉट जो होता है ना चूली, हम चूली बोलते हैं भवानी जी, उसके गिर में से तेल निकलता है जी, वो तेल बहुत फायदेमंद वाला है, वो अभी बहुत महंगा बोतल को 2003 नज़र हो गया, एक जो राम की बोतल को, उस बोतल को पत्थर का वो होता है भाती बनाने वाला जी, उसमें एक सूती दगा देकर के उसमें विगा के किनारे पर रहता है, उसमें एक आटा इस तरह दबा के रखता है, फिर ऊपर सिर को जलाता है इसको, सिर अच्छा। को फिर ये तेल ख़त्म होने तक ये जलाते रहता है। बहुत बढ़िया। रात को हमें जो रातों रात पूजा करना भी होता तो वो ये जला कर पूजा करता था, उससे भी देखता था उस वक्त, तो अभी तो इतना लाइट है फिर भी अंधेरा देख रहा है क्या। अच्छा, एक चीज़ है जी, आपके वहाँ भगवान बुद्ध की पूजा होती है जी हाँ, तो मूर्ति की पूजा होती है कि बिना मूर्ति की पूजा? मूर्ति की होता है, मूर्ति की होता है, बिना मूर्ति की भी होता है, ज़्यादातर मूर्ति की होता है। हाँ, यानी महायान में चलता है। हाँ हाँ, महायान का हाँ, वही नहीं, यानी एक महायान है
तो यान में मूर्ति नहीं होती, खाली प्रतीक होता है। ये जो रूप है आपके यहाँ का, जो लद्दाख का धार्मिक सांस्कृतिक बड़ा समृद्ध रूप है, और ऐसा रूप है कि जिससे हम सारे परंपरा के पारंपरिक जो लोग हैं वो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं कि ये अपनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो परंपराएं हैं वो परंपरा किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत स्थान का परिवर्तन होता है प्राकृतिक कारणों से, लेकिन मोटे तौर पे वो सब दूर मिलता है। मिलता है तो सब दूर मिलना प्राकृतिक कारण, आपके वहाँ ठंड पड़ती तो उसके हिसाब से थोड़ा अंतर हो जाता है, इधर थोड़ी गर्मी पड़ती है तो थोड़ा अंतर पड़ जाता है, तो ये होता है। लेकिन मोटे तौर पे सब एक ही है, और इस तरह से सारा देश हमारा पूरा एकजुट है, तो ये बहुत बढ़िया है। ये जो मुकुट है आपके जो सिर के ऊपर है टोपी, उसकी विशेषता क्या है? ये इस तरह से गोल होकर के फिर इस तरह का हो जाना तो ये सिंह जैसे निकल आना दोनों तरफ, या कान कान जैसे बड़े। ये तो पिछले जमाने से ये होता है जी। बोलने में तो ये भी बोलता है कि जिस वक्त गुरु पद्मा संभव जी को मंडी रजन उनको जिंदा जलाने की कोशिश किया था जी, उस वक़्त गुरु पद्मा संभव जी ने शक्ति दिखाया था, वो नहीं जल 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 सका था, उसको जो तेल डाल के जलने की कोशिश की तो तेल को झील बनाया गया था, वो ये कनवल के फूल बना के उसके ऊपर गुरु पद्मा संभव जी को फिर माफ़ी मंगा था राजा ने। उस वक़्त राजा का जो कैप था, ये मुकुट था, उस राजा गुरु पद्मा संभव जी को दिया था, बोलता है इसकी तस्वीर है, बोलता है ये ऐसा करने का मतलब। बाकी तो ये पुराने ज़माने का हमारा कल्चर भी है, ये ऐसा होता है, ये जो फंक्शन के दौर में या सगाई के दौर में, सगाई के दौर में तो हमारे ये जो सिर पे पगड़ी जैसे और कलाबत्तू जो वो सोना सुनहरे रंग का लगा कर ऊँचा बना कर वो डांस भी करता है, इसी तरह है मुकुट का मतलब। तो मुकुट यही पहनता है पिछले ज़माने में, आजकल तो ये जो बनाया हुआ बनावटी साबुन है यह पहनता है ना, पिछले ज़माने का यही होता है जी। आजकल बदल गया, बदल गया, पूरा बदल गया, समय के साथ परिवर्तन होता है। हाँ तो बहुत अच्छा, ये जो एक विशेषता है उसके, और उस विशेषता की रक्षा आपके परिवार में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गायन है, संगीत है, और वाद्य हो गया और कला हो गई, एक प्रकार से जो चित्रांकन होता है मानने दीवारों के ऊपर और जमीन के ऊपर और रेखा चित्र बनते हैं, वो पेंटर जैसा वो पेंटिंग करने, वो परंपरा भी आपके वहाँ पर होगी। हाँ, तिब्बती रूल का वही पेंटर होता है, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, सब तस्वीर सब कुछ बनता है, अच्छे बनते हैं, अच्छा बनाते हैं। जिससे आपने बनते होंगे, आपने ये सारी कहानियाँ सुनते हैं, कौन कौन सी पेंटर आपने क्या क्या कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते रहते हैं जिन्हें आप? ये जो लोक कला है ये हमारे यहाँ की थाती है, धरोहर है इस देश की, और इसके कई रूप हैं, तो कई रूपों में कई चर्चा जो है हमारे भरत आचार्य भरत हुए पूरे पुराने जमाने में, तो उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में सब बातें लिखी है, और इतनी अधिक है कि उनके उनके सब बातों को समेटना आज कई रूपों में बिखराव के रूप में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस देश में विद्यमान है वो, और उसी में परंपरा में आपकी जो लद्दाख की जो परंपरा है, कला की परंपरा है, ये परंपरा भी वर्तमान में तक चल रही है, और आपका परिवार चला रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। आप तो हमारे लिए देश के लिए गौरव है, आप पूज्य हैं, आपसे प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहते थे जी, जो अब कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं, कौन कौन सी? हम जो है ज़्यादातर इतिहास और पुराण जी, हमारे देश के जो इतिहास है, हिस्ट्री प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास और पुराण,
अच्छा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं और नाटक लिखते हैं और प्रदर्शन करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल अच्छा, इस तरह से अपनी तो अपनी अपनी देश की बात जो है देश तक पहुंचाते हैं, वापस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक कला हो, लोक संस्कृति हो, या नाटक हो, या फिर कहानियाँ हो, किसी माध्यम से ये सारी चीज़ें पहुँचती है। अच्छा, तो अच्छा, और पहुँचाने का प्रयास करते अच्छा, हैं। तो बिल्कुल यही मेहनत का फल है, आज इतने दर्जे तक पहुँच गया। हाँ, तो ये जो है अब जीवन ही लगा दिया ये, वो इसके सिवा क्या, आपका कुछ तो आता भी नहीं दूसरा। हाँ जी, बिल्कुल वही आता है। बिल्कुल, बनाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, आने वाले जो पीढ़ी, जो अगली पीढ़ियाँ जो है, इनको रखना चाहिए। हम तो जाने वाले हैं, उठा के जाने से कुछ फायदा है नहीं, इनको छोड़ के जाना हमारा फर्ज बनता है। ये जो अगली पीढ़ी तक जो अपनी बात चली जाए, जी हाँ, और वो उसको ग्रहण कर ले, तो ये जीवन की अपन लोगों की सफलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया। जय।